मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा ये रेजिस्टेंस आर है, ए पॉइंट बी पॉइंट, करंट बी से ए की तरफ है, तीन ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, क्या है इसका आंसर? बिल्कुल, करंट एक रेजिस्टर के थ्रू हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, रेजिस्टेंस है, जैसे हिंदी में अगर हम बोले किसी की प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम पढ़ लो, लेकिन तुम नहीं पढ़ते। कई बच्चे क्या होते हैं कि बोलने से ही मान जाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस कम है। कई बच्चे क्या होते हैं, मार खाने के बाद में भी नहीं मानते, हाँ है ना, सही बात है। और कुछ क्या होंगे, मार भी खा लेंगे, डांट भी खा लेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे, आई बात समझे? तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये बोलने से पहले ही किसी के अंदर होती है, बोलने के बाद में थोड़ी डेवलप हुई, तो पहले से है उसके अंदर। बात ये कि बोलने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लाइक इनर्ट्स है, बिल्कुल सही बात है। अभी बात समझ में आ गई? तो करंट एक रेजिस्टर के थ्रू हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, बिल्कुल। अब सुनो, मेरे को ये बताओ, ए बी, ठीक है, आर रेजिस्टेंस है, V A इक्वल टू 2 टाइम्स V, 2 V A इक्वल टू B B, थ्री टाइम्स V A इक्वल टू 3 टाइम्स V B। इन केस में से आप ये बताओ, पहले केस में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, बी टू ए या ए टू बी? फर्स्ट केस में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, वाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच केस। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले का क्या आंसर आएगा? बी टू ए या ए टू बी? बेटा दो दो बता रहे हो तुम, एक ही जवाब देना है। देखो, जब इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो तो आसान तरीका होता हूं, बी बी को तुम 10 मान लो, तो बी ए कितना आ जाएगा, 20। अब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, अब बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा भाई, बी बी को 10 मान लो, तो वी बी की वैल्यू 10 लिख दी, तो वी ए की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स BB, तो ये 20 हो गया, हाँ है ना। तो पहले ऑप्शन के अंदर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ। किस किसका सही है, किस किसका सही है पहला आंसर, पहला आंसर किस किसका सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सेकंड वाले में क्या है आंसर? ऑब्वियस ही बात है, अगर इस बार तुमने इसको क्या लिख दिया, तो ये वाला क्या रहेगा, 5, तो इस बार करंट इधर फ्लो करेगा, दैट इज इस बार करंट की डायरेक्शन होगी बी टू ए। और थर्ड में किधर करंट फ्लो करेगा,
बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब इस केस में आई किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। करंट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। किस किस को ये समझ में आ गया ये बताओ, किस किस को ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। सेकंड वाला नहीं आया छोड़, ये वाला नहीं आया। मैंने कहा बेटा वीबी की वैल्यू 10 मान लो, तो वीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 10 मान लो, ये वैल्यू 5 होगी, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो करंट इन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मिटा रहा हूं, मिटा दो इसको। ए बात बताओ, अब सुनो, इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी बी। देखिए पता चल गया किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है। ए का ज्यादा, ठीक है। इफ R is replaced by 2R, अगर R को R की जगह मैंने गेट का रेजिस्टेंस लगा दिया 2R लगा दिया, देन ट्रू या फॉल्स बताना आपको। VA माइनस VB, VB इंक्रीजेस सेकेंड आई बिकम्स टू टाइम्स थर्ड थर्ड है आई बिकम्स हाफ टाइम। टू है या फोर, पहला पहला ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो आप अप्लाई करोगे वो उसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा, ये गलत बात है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। आप रेजिस्टेंस को, अब देखो इसके अंदर एक डाउट है, ठीक है, और ये कई लोगों को डाउट रहेगा। VA माइनस VB इंक्रीजेस, भाई VA माइनस VB इस रेजिस्टेंस पे कभी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बाहर वाली बैटरी पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाहर वाली बैटरी के ऊपर। I becomes two times, अगर ये बैटरी फिक्स है और अगर इसका में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आपको पता है VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू I इनटू R होता है। तो अब पक्की बात है, रेजिस्टेंस अगर टू टाइम्स हुआ होगा, रेजिस्टेंस अगर टू टाइम्स हुआ होगा, तो
तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स हुआ होगा। हाँ, करंट क्या हुआ होगा, हाफ टाइम्स रहा होगा। तो ये भी गलत है, और ट्रू कौन सा है, ये वाला ट्रू है। हाँ है ना, क्या बात सही है, किस किसका सही है आंसर, किस किसका आंसर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा भाई और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छे क्वेश्चन करवाता, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। वैल्यू चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं वैल्यू किसके साथ करवाता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, डोंट डोंट वरी, वरी करने की कोई बात नहीं, अभी सारा समझ में आएगा। अभी देखो तुम, मैंने कहा वैल्यू के साथ करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, पहले बताओ करंट किधर जाएगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, करंट की डायरेक्शन बताओ। ए से बी की तरफ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम तो करंट कितना जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 2 ओम है तो करंट कितना जाएगा, ध्यान से देखो फॉर्मूला फिर से लिखा, डेल्टा वी इक्वल टू आई इनटू आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दोनों के क्रॉस 10, आई की वैल्यू निकाल दी और आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आई भी इसके बराबर आ गया 10/2 केवी तार है, 5 एम्पीयर आ कितना आ गया 5 एम्पीयर। आए अखिल, पता है क्या, तुम एक ही चीज पे फंसे हो अखिल, ये क्या काम आता है, पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो, बल्ब जलता है या रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बल्ब नहीं चलेगा, हर चीज में अपने रेजिस्टेंस की जरूरत है, बिना रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप सर्किट से एनर्जी कैसे लोगे, बेटा ओम सॉ क्या बोल रहा था, डेल्टा वी इस पर प्रोपोर्शनल टू आर आई का, तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर हो गया, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट पे 0 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10, और 10 किसके बराबर होनी चाहिए, आई इनटू आर, आर कितना है 2 ओम है, तो बेटा वी ए माइनस वी बी को ये लिखते हैं VA माइनस VB को ही तो डेल्टा भी लिखा है, डेल्टा भी मतलब चेंज, अभी भी नहीं बात समझ रहे, अभी भी बात नहीं समझ रहे, तो हम ऐसे लिखते हैं किताबों में, ऐसे लिखा V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है इस मामले के अंदर, आई बात समझ में, ज्यादा बेटर है हमेशा ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे लिखना चाहिए, इसको मैं ये भी लिख सकता था V A माइनस V, इसको मैं ये भी लिख सकता था, तो दो चीजों का डिफरेंस डेल्टा डेल्टा से लिखते हैं। अभी बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हमने डिफरेंस किया नहीं, मैं करवाऊंगा तब पता चलेगा तुम्हें, अभी नहीं पता चला, मैं बताऊंगा रुक जाओ थोड़ी देर, दोनों बता दूंगा, डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्या रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, और डेल्टा का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक्स का क्या मतलब होता है पोजीशन, तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है चेंज इन पोजीशन, नहीं है बस में ऐसा मतलब होता, मान लो स्पीड, तो डेल्टा ऐसा मतलब क्या हो गया चेंज इन स्पीड, अभी भी नहीं बस में मानो, जो कोई मैसेज ही नहीं कर रहा हो, हाँ
ठीक है अरे यार करंट गिवन क्या होती है मेरे को ये बता। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में से तेरे को दो चीज दे रखी है, तीसरी चीज नहीं कर सकती। तूने ये पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, ये बोला हमने, ये पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, ये बड़ा है। ये बता अगर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा। एटी किलोमीटर क्या आएगा, 80। कैसे आया यार, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ था, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ था, कैसे गया। और एक चीज और बोलता हूँ मैं तुम्हें, ये जो ब्लैक हैकर और ये फालतू के नाम से जो आपने रजिस्टर कर रखा है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको अपने नाम से ही रजिस्टर करना है, ठीक है, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा इधर से। हर किसी को अपने नाम के साथ ही करना होगा, बात समझ में आई नहीं है। इसका मतलब एक इक्वेशन में अगर आपको दो चीज दे रखी है तो तीसरी चीज भी कर सकती है। इस बार मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना, डिस्टेंस है 100, टाइम लग रहा है 4 आवर्स, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 25। कैसे पता चला यार, ऑफिस दो चीज दी होंगी तो तीसरी चीज पता चल रही है क्या, आया ना। तो आप सुनो, अब मैं कहता हूं डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। अब बताओ मैं इस क्वेश्चन को देखो, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ए और बी का 10, तो तुमने ये लिख दिया 10। आर की वैल्यू कितनी लिखी है, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए 5। तो यही तो पूछा था। अब एक और बताओ, अगर आर की वैल्यू हो जाए 4 तो करंट कितना फ्लो करेगा, आर की वैल्यू 4 हो जाए तो करंट कितना फ्लो करेगा। ओम को ऐसे 2.5 आया ना, 4 ओम दैट इज, तो आई कितना हो जाएगा 2.5 एम्पीयर हो जाएगा। कर क्या मिला, 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हो आया ना। देखिए पता चल जाता है यार कैलकुलेशन कितनी आनी चाहिए तुम्हें। मेरे को ये बताओ अगर आर की वैल्यू 1 हो जाए, आर की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो करंट कितना होगा, 10 एम्पीयर। ये 10 है, ये वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए तो पक्की बताइए 10 एम्पीयर। अब इसकी वैल्यू 5 हो जाए, अब क्या करंट होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा 5। बिल्कुल कैसे, ये 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, डिफरेंस क्या हो गया 5, या डिफरेंस ही आर कितना आपका 1, तो आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा आया। अब एक और बताना, अब करंट लिखो, इसका पोटेंशियल -10 बीगा,
डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच का, एक 10 है एक -10 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, जीरो आ गया। 10 और -10 के बीच का डिफरेंस जीरो हो गया, वाह। तो ये डिफरेंस आ गया कितना, प्रोडक्ट आर कितना है 5 दे रखा है, अब आई कितना बचा, आई कितना बचा 4, तो आई में अचीव हो रहे। अब बता थोड़ा सा चेंज करो, वीवी का पोटेंशियल पहले देख लेते हैं, तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, व्हिच इज हायर पोटेंशियल, ए या बी, हायर पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा क्योंकि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस डेल्टा बी जो किसको भी जान सकते हो, माइनस बी किसके बराबर आएगा, आई इंटू आर के बराबर आएगा, आई कितना है 3, आर कितना है 4, तो ये कितना है 12, तो बी ए माइनस बी किसके बराबर आ गया 12 वोल्ट के बराबर, किसके बराबर आ गया 12 वोल्ट, किस किसका सही है, किस किसका सही है 12, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत गुड। पता क्या है, मैंने क्वेश्चन भी दिया है पहले से दिया है बेटा कि ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, और अब तुम्हें पता है कि करंट हमेशा हायर की ओर जा रहा है, तो मैंने पूछा ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब ये तो VA का पोटेंशियल क्या है, VA का पोटेंशियल क्या है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज में प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है ना आवाज, अब देखो तुम VA का पोटेंशियल नहीं बता सकते, क्यों, तुम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि रेजिस्टेंस मैं ये कह रहा हूं तुम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर मैं एक बात कहूं, दो नंबर का डिफरेंस अगर पूर्ण है तो वो दो नंबर बताओ, दो नंबर का डिफरेंस को अगर पूर्ण है तो दो नंबर, एट फोर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही आई इंटू आर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देता है, क्या देता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देता है, जब तक एक का पोटेंशियल नहीं पता दूसरे का पता ही नहीं सकता, समझ में आ गई बात। अब बताओ अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल दू
मूल। अब बी का पोटेंशियल क्या होगा? अब तो डिटरमाइन बी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, बी ए और बी बी के बीच का डिफरेंस निकालना है तो अलग एक टाइम क्या होगा? सिक्स होगा। चलो एक बार मान लेते हैं, मैंने मान लिया सिक्स होगा। सिक्स हुआ तो आपका बी और ए के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? फोर है, जबकि आपका क्या है? ट्वेल्व। अब मतलब क्या होगा? माइनस टू होगा। अगर जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंस? टेन हो जाएगा। ये तो देख रखा है, तो ट्वेल्व का भी आप इसको माइनस टू। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ रही, क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब बताओ मेरे को, फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस टेन वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ बी बताओ। माइनस ट्वेंटी, तो अगर तुम इसको माइनस ट्वेल्व कर दोगे तो ये लोअर तो वहीं से आया, तो ये बताओ इसका सिर्फ टू नहीं हो सकता था? टू नहीं हो सकता था क्वेश्चन? टू टू हो सकता था क्या? ऐसे मान लिया नहीं तो कर दो, दो का डिफरेंस नहीं हो सकता क्या? हुआ क्या उनकी फिर ये हायर हो जाएगा? जैसे इधर फ्लो कर रहा है, अगर ये हायर ना होगा तो जैसे इधर फ्लो करना चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बच सकते माइनस 22। क्या ऑप्शन बचता है? माइनस 22। चलो ये क्वेश्चन और, आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही है ना अच्छी तरह से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। करंट की डायरेक्शन की गलत बताई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर डायरेक्शन की गलत बताई तो क्या होगा? करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 16 / 4, दैट इज 4 एम्पीयर। तो जब इस डायरेक्शन में बता दिया करंट तो इसको लिख दिया होगा -4 एम्पीयर, ये डायरेक्शन आया ना। अच्छा कोई बात नहीं, या फिर आप इसको थोड़ा और क्या ये है वो बड़ा, तो फिर वो तो पूरे कई बार समझ में ये ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डायरेक्शन में लगा कर तो आप करंट क्या होगे? -4 एम्पीयर। मेरे हिसाब से बात सबको समझ में आ गई, टी इक्वल टू आई आर सबको समझ में आ गया, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर सबको समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि वी इक्वल टू आई आर, वी क्या चीज है? व्हाट इज वी? वी क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। देखो वी इक्वल टू आई आर, वी इज द, वी इक्वल टू आई आर, देखो वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो वी लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? डिफरेंस को हम जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा बी इक्वल टू आई आर ऐसे मत लिखा, लिखोगे ठीक है लेकिन हमेशा जनरली ऐसे लिखना चाहिए। इसके अंदर बी क्या है? या डेल्टा बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। आई क्या चाहिए? आई क्या चाहिए? एक मिनट मैसेज लगता है वो ऊपर चला गया, किसी ने मैसेज दिया।
बहुत नीचे ऊपर चला गया, बड़ा सा मुश्किल। इसका जवाब आप मेरे को देना, जो तुम्हें कुछ पूछना। निकल के आएगा बस। मैंने लिखा v इक्वल टू आई है, इतने सारे क्वेश्चन कर दिया, आपको रेस्ट मिल नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ v का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंशिएटर ऑफ द रेसिस्टर। आई का ठीक है, आई का ठीक है, आई है करंट थ्रू द रेसिस्टर। देख लो, I is current through the resistor. Delta V is potential difference across the resistor. And R is the value of resistance. बेटा ये पढ़ लिया मैंने, बताता हूँ कुछ देर, बताता हूँ कुछ देर, ये भी बताता हूँ। और तेरा ना नाम चेंज कर, नागे बेटा तेरा ब्लैक कैट है। डेल्टा बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, आई इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस। बिल्कुल अभी समझाओ, समझा रहा हूँ सारी बात, समझाऊंगा। चलो मैं कोई बात बोलूँ, पहले इसके बाद प्रैक्टिस करके देखते हैं, तुम्हें ये पता चल जाए कि डेल्टा बी इक्वल टू आई आर क्या है। ये देखते हैं, तुम बता दो डेल्टा बी क्या है, करंट कौन सी डायरेक्शन में है, आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, बाद में ऐसे मैं इसका भी जवाब दूंगा। देखो मैंने बोला एक बॉक्स है, जैसे इसमें कुछ रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं पता, इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना बॉक्स में, वो जा रहा है 4 एम्पीयर, और इस बॉक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो है 84 पोटेंशियल डिफरेंस। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस कितना है बता सकते हो, कैसे पता चला? क्योंकि तुमने लिखा डेल्टा वी इक्वल टू आई इनटू आर, तो डेल्टा वी कितना था, 80, आई की वैल्यू कितनी है 4, आर आ गया तो ये कितना रहेगा 20 ओम आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, इस बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बताओ
आर की वैल्यू को रेजिस्टेंस भी लेंगे तो सकते हैं क्या? ठीक है सही बात। अब बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेवन। एवरेज रेजिस्टेंस की वैल्यू वन। अब का वोल्टेज बी बी का वोल्टेज बी का वोल्टेज बहुत बढ़िया शाम 15 मिनट में माइनस 15 है, 15 में ही है माइनस 15 है इसका आंसर। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर तुम इसको 15 का लगता तो फिर न्यू फ्लो करेगा इसमें इंडक्टर करंट ही जाएगा, तो ये हायर हो गई लोअर 15 लोअर चला गया माइनस 15 हायर। कई बार समझ आ गया, कई बार समझ आ गया पक्का? ठीक है बात बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है, जनरेट कौन करता है? बैठ बहुत जैसे मोटर क्या करती है पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी करती है, और भी डिवाइसेस होते हैं जो क्रिएट कर देते हैं पोटेंशियल, लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए मेंटेन करते हैं पोटेंशियल, जैसे कैपेसिटर। नाम सुना है ना कैपेसिटर का, लेकिन हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है अब सुनो, ये एक वायर, जैसे मान लो ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने 5 ओम, तो अगर इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो ये बताओ इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है? अगर इसके थ्रू करंट 0 जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? एक मिनट देखने दो, अब आवाज आ रही है? अब साफ आ रही है? ठीक है तो रेजिस्टेंस कितना है करंट अगर 0 जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है? 0 कैसे होगा मेरे को एक बार बताओ, मेरा वेट मान लो 70 kg है, मेरा वेट कितना है 70 kg है, कब पता चलेगा कि मेरा वेट 70 kg है? जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होगा तब पता चलेगा ना, आया ना? अरे मेरा वेट 70 kg, कब पता चलेगा? जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा रहूंगा तब पता चलेगा, जब मेरे को वेट करोगे, आया ना? अब मान लो अब तो मैं वेइंग मशीन पे वेट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा वेट क्या है? 0 kg है, इस टाइम पे वेट कितना है मेरा? इस टाइम पे वेट कितना है मेरा? क्यों अभी तो वेट ही नहीं कर रहे, तो फिर तुम 70 कैसे बोल रहे? मैंने कहा
अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरा वेट क्या 70 kg, मैं कहता हूँ मेरा वेट 70 kg है, ठीक है। वेट करने के बाद में पता चलेगा कि मेरा वेट 70 kg है। अब मैं वेइंग मशीन से नीचे उतर गया, अब मैं पूछता हूँ मेरा वेट कितना है, अब मेरा वेट कितना है। हाँ अर्थ पे यू, या अर्थ पे यू, अभी कोरोना वायरस नहीं हुआ, अभी अर्थ पे यू। ये 70 kg बोलोगे मेरा वेट आया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जब वेइंग मशीन पे होता हूँ तभी मेरा वेट 70 kg होता है, वेइंग मशीन से नीचे उतरते ही मेरा वेट 0 kg हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। ये बात समझ में आई नहीं, क्या बात समझ में आ गई? इसी तरह से ऐसे ही किसी चीज का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस है यार, वो तो उतना ही रहेगा ना, भले इसके थ्रू करंट जाए या ना जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आया ना? क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? इट मीन्स ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब मैं कहता हूं तुम्हें, ये रेजिस्टेंस है भाई, अब इसके थ्रू करंट जा रहा है 220। अब बताओ ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ही रहेगा यार। मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ाई है तुम्हें, तो रेजिस्टिविटी पढ़ाई है क्यों? जो पढ़ाया है वो बता रहे हो मेरे को, ऐसा कभी नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया है वो तुमसे पूछू। ये इतना ही रहेगा अगर करेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फाइव ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों पॉइंट्स के, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए और बी के अक्रॉस, आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 15। अब कितना है, 20। अब कितना है, अब कितना है, 0। तो यार पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था, डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू i। अब ये आंसर सिंपल क्या होता है, मैंने कहा था डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू i। आप देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही करंट होता है, या फिर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आए इट मींस डेल्टा v और i के बीच में जो करंट है, और फिर मैंने कहा डेल्टा v इज equal to R I या I R, और मैंने क्या बोला इसको क्या होता है, proportionality constant, इसे नाम भी constant है, अब आवाज आ रही है, अभी भी नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है नहीं आ रही? एक मिनट ठहरो, अब क्लियर है ठीक है। इसको बोले थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बेटा इसको कांस्टेंट इसीलिए तो बोले थे, कांस्टेंट इसीलिए तो बोले थे, इसीलिए बोले थे क्योंकि डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू i, डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू
आर नहीं है, ऐसा नहीं कि आर बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, बात समझ में आई है? इंटर ऐसा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से आर बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? आवाज साफ, आवाज साफ आ रही है ना? हाँ देखो, मैंने कहा कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई है, आर इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला मैंने इसको, तो मैंने कहा कि डेल्टा वी इंक्रीज से आई इंक्रीज करेगा, आर नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई आर तो कांस्टेंट ही है भाई, कहाँ डिपेंड कर रहा है, R is inversely proportional to I, कहीं भी था, R बेटर डिपेंड ही नहीं करता डेल्टा V और I पे, अभी तो बताया तुमको ही डिफरेंस लगा दो, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 5 ओम ही है, अगर दूसरा रेजिस्टेंस है जैसे इसका रेजिस्टेंस ब्लैक का रेजिस्टेंस 5 है तो 5 ही रहेगा, इसका 4 है तो 4 ही रहेगा, आया ना कई बार समझ में आई थी, ब्लू का 2 है तो 2 ही रहेगा, ये किसी के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू ना ही तो इनके थ्रू करंट के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल किसी गिवन के लिए फिक्स्ड है। बेटा डबल किया तो क्या था, जैसे अगर मैं कह दूं इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ब्लू का रेजिस्टेंस है 5 ओम, ब्लू में लिखा 5 ओम और ब्लैक का रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, इसका है 10 ओम, अब ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा था, आर इज फिक्स्ड, वे चेंज तो कर ही सकते हैं, अब मान लो एक बैटरी है, ये बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है दैट इज 20 वोल्ट, दैट इज ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, आई एम मैंने मान लो इसके अक्रॉस ब्लू वाला रेजिस्टर लगाया, कैसे लगाया, ब्लू वाला, तो अगर मैं इसके अक्रॉस ब्लू वाला रेजिस्टर लगा दूं तो ब्लू वाले रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, अब बताओ करंट कितना होगा, करंट कितना होगा 4, अब ये और बताओ मैं ब्लू वाले रेजिस्टेंस हटा के ब्लैक वाला नहीं लगा सकता, यहाँ पे ब्लैक वाला नहीं लगा सकता, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 ओम, इसका मतलब मैंने रेजिस्टेंस ही चेंज किया है, दैट इज पहले यहाँ पे ब्लू लगा हुआ था, इसको हटाया और फिर ब्लैक लाया, ऐसे करके मैंने इसको डबल किया, अब बात समझ में आ गई अर्शिया, अब बात समझ में आ गई तुम्हें, हाँ एवा बताओ, किसमें जब 20 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा तो 2 एम्पीयर हो जाएगा करंट, जब ये 5 ब्लू वाला रेजिस्टर लगाओगे तो ये बैटरी कितना करंट भेजेगी, 4 एम्पीयर भेजेगी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ईएमएफ चेंज करने के लिए बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, या दो बैटरी लगा लो भाई, एक बैटरी तुमने देखा होगा घर में जो रिमोट है उसमें दो सेल होते हैं, एक सेल और दो सेल, हाँ या ना, तो एक चीज बताओ बाद में बताएंगे इसको, आज इतना ही, ज्यादा नहीं, आज के लिए इतना ही, इसी के बारे में सोचो, ठीक है, बीपीपी कब डिस्कस करेंगे,
चलो अगली छुट्टी के अगली जब तुम्हारा ऑफ है नेक्स्ट ऑफ है मैं उसके अंदर डीपीपी शुरू करवा देता हूँ डिस्कस करने के लिए। ठीक है बात समझ आएंगे। ओके आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया डेल्टा बी इक्वल टू आई आर होता है। डेल्टा बी क्या चीज है? ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे ओके बेटा। आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसके बाद में भी किसी को डाउट हो तो पर्सनली पूछ ले। ओके बाय बाय। Thank you.